हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू वाला कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, साथ खैरियत के होंगे। और आज का मेरा जो कलेक्शन है वो मैं आप लोगों के लिए डीप सी ब्रांड का लेकर आई हूँ। एंड ये हमारे पास ब्लिस का, जो आप जानते हैं कि जेड ब्लिस करके जो न्यू कैटलॉग लॉन्च हुए हैं सारी कंपनीज़ में, तो हमारे पास वही वाला ब्लिस वॉल्यूम 3 हमारे पास अवेलेबल है। और ये पैच वर्क में सूट्स होते हैं, रीजनेबल होते हैं। मतलब ये वाली जो आज हमारी वीडियो का जो प्राइस रहेगा वो हमारे शिफॉन दुपट्टे के साथ 950 रहेगा। एंड लॉन दुपट्टे के साथ अगर आप मीन्स कॉटन के साथ आप लेते हो तो आपका प्राइस जो इसका रहेगा 1000 रुपीज़ रहेगा। एंड शिपिंग सेम इंक्लूडेड है, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना है। आप जानते हैं इसमें हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि आप लॉन भी ले सकते हैं, शिफॉन में भी ले सकते हैं, तो वो उसी के मैंने अकॉर्डिंग आपको जो है प्राइस बता दिए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारे पास एक डिज़ाइन में 2 शेड्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग दिखाऊंगी। और हम स्टार्टिंग जो भी करने वाले हैं वो हम करेंगे 1 सेकेंड, तो फर्स्ट डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं आपको लाइट शेड वाला डिज़ाइन पहले दिखाऊंगी, नहीं पहले मैं आपको डार्क शेड वाला दिखाऊंगी। तो ये मैं फर्स्ट डिज़ाइन आप लोगों के लिए ओपन करने वाली हूँ। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक डिज़ाइन पूरा कम्प्लीटली अच्छे से दिखा दूँगी और बाकी का आप देख सकते हो ना, मॉडल पिक्चर आप कंपेयर कर सकते हैं। दोनों का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ कलर का डिफरेंस है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड ये हमारे पास डीप सी ब्रांड के हैं और इसमें जो आपका फैब्रिक की क्वालिटी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। एंड लॉन कॉटन फैब्रिक है इसका। दुपट्टा जो इसमें हमारे पास ओपन हुआ है आई थिंक शिफॉन में है, मैं देखती हूँ अभी हमारे पास कौन से में है, या फिर कॉटन में है। तो मैं आपको, हाँ कॉटन में हमारे पास ओपन हुआ है। तो इसका मैं आपको, देखिए कॉटन का मैं इसलिए ज़्यादा लाती हूँ, पहले मैं शिफॉन का आप लोगों को दिखाती थी, लेकिन एक बात मैंने खुद भी नोटिस की है कि शिफॉन में और कॉटन में होता यह है कि शिफॉन में हमेशा कलर्स ना आपको सारे दुपट्टे में ब्राइट मिलेंगे, क्योंकि फैब्रिक की बात होती है। अब शिफॉन जो है उसमें शाइनिंग रहती है फैब्रिक में, और आप किसी भी शेड में किसी भी कैसे भी ले लो वो डल नहीं मिलता, उसका दुपट्टा हमेशा ब्राइट ही रहता है। और कॉटन फैब्रिक होता है उसमें कोई शाइनिंग वगैरह एक्स्ट्रा कुछ नहीं होती, तो काफ़ी बार कॉटन के दुपट्टे क्या होता है कि वो हमें पता नहीं होता लेकिन डल आता है। मतलब जो शर्ट का कलर होता है या सूट का कलर होता है उससे हल्का सा डल होता है, तो इसलिए कॉटन का दुपट्टा दिखाना ज़्यादा बेहतर है वीडियो में। शिफॉन का आप लोग खुद ही जानते हैं कि शेड में इसकी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आती। अगर आप कॉटन का ही दुपट्टा अच्छे से देखोगे तो आप शिफॉन का चूज़ करने में आपको आसानी होगी। तो ये मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट डिज़ाइन मैंने ओपन किया है। इसका ना हमारे पास थोड़ा सा लाइक येलोविश ब्राउन टाइप का शेड है, क्योंकि ना तो ये प्रॉपर ब्राउन है, ब्राउन हल्का सा मतलब डार्क वाला ऐसा वाला नहीं है, इसमें ऐसा लग रहा है कि किसी येलो के साथ आप ब्राउन मिक्स कर दें तो उस टाइप का शेड है। और जो बिल्कुल भी हमारे पास मतलब जो होता है ना एकदम मट्टी सा कलर होता है वैसा वाला है। और ये आप देख सकते हैं इसका पूरा प्रिंट, तो पहले तो मैं आपको प्रिंट ही दिखाऊंगी क्योंकि इसमें सेल्फ एम्ब्रॉयडरी कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेगा और अलग से पैचेस है एम्ब्रॉयडरी के लिए। ठीक है, तो ये स्लीव्स हो गई हैं हमारी साइड में, प्रिंट आप चेक कर सकते हैं इसका। और ये हमारा इसका बॉटम का फैब्रिक है, तो बॉटम का आपको जो है वो सेम कलर दिया हुआ है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रंट साइड का, तो जो मैंने इससे पहले आपको प्रिंट दिखाया था वो बैक साइड का था, ये इसकी फ्रंट साइड का प्रिंट है। ठीक है, पूरा प्रिंट आप चेक कर लीजिए इसका, ये फुल आपको प्रिंट मिल जाएगा। साइड में इसमें ये स्लीव्स मिल जाएंगी आपको। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसका जो हमें पैच दिए हुए हैं, पैच इसमें काफ़ी सही दिए हैं, मतलब 2 पैचेस दिए हुए हैं। एक तो आप देख लीजिए इस टाइप से ना ये नेक लाइन पे लग जाएगा, तो इसमें आपका जो है वो वाटर सीक्वेंस वर्क है और रेशम का काम है, तो ये पैच इसमें दिया हुआ है, इस टाइप से आप लगवा सकते हैं तो पूरा आपका नेक लाइन पे लग जाएगा, कवर हो जाएगा। और ये हमें जो सेकंड पैच दिया हुआ है ये आप जो है दामन पे या स्लीव्स पे मॉडल पिक्चर में जैसे भी लगा हो आप वैसे इसको लगवा सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से भी इसको अरेंज करवा सकते हैं जो सेकंड पैच हमें दिया हुआ है। और दुपट्टा मैं आपको दिखा देती हूँ, तो फैब्रिक का मैं आपको बता दूँ, शर्ट का फैब्रिक लॉन कॉटन है और बॉटम का फैब्रिक भी लॉन कॉटन है। और दुपट्टे में ऑप्शन है, आप चाहे तो कॉटन का दुपट्टा ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो शिफॉन का ले सकते हैं। अब इसमें जो है कॉटन के भी ना शेड्स बिल्कुल भी डल नहीं है, शेड्स में काफ़ी ज़्यादा प्यारे आ रहे हैं और बिल्कुल खिलते हुए आ रहे हैं कॉटन के दुपट्टे में भी। और यही सेम टू सेम प्रिंट एंड कलर कॉम्बिनेशन आपको शिफॉन दुपट्टे में मिलेगा, तो इसलिए आप कॉटन के दुपट्टे अच्छे से देख लीजिए। शिफॉन की मेरे पास आई थिंक ओपन पिक्चर होगी तो मैं आपको कर दूँगी, दे दूँगी, लेकिन ओपन पिक्चर्स शायद इसकी अवेलेबल नहीं है। तो आप जो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ अच्छे से एकदम देखेंगे तो आपको पूरा एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का प्रिंट रहेगा, किस टाइप का क्या रहेगा, तो सब कुछ आपको यहीं डिटेल वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पीस है, मैं एक बार चेक कर लूँ कि प्रिंट ठीक आ रहा है नहीं आ रहा जी। तो कलर भी ना लगभग सेम आ रहा है, सिर्फ हल्का सा 19-20 का फ़र्क रहता है, तो आप जानते हैं वीडियो में थोड़ा सा ब्राइट होके ज़्यादा ही आता है शेड। और अब इसी सेम डिज़ाइन से मैं आपको पिंक कलर दिखा देती हूँ, काफ़ी प्रिटी सा ये पिंक शेड है।
तो ये देख लीजिए, ये हमारे पास पिंक कलर में है और यही सेम टू सेम डिज़ाइन जो मैंने अभी आपको दिखाया है वही सेम टू सेम है। तो मैं पूरा वैसे डिटेल में पूरा एक चीज़ नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आपको जल्दी जल्दी से प्रिंट चेक करवा देती हूँ। प्रिंट वैसे तो सेम है लेकिन काफ़ी बार ना जैसे कि अब ये कलर बिल्कुल डिफरेंट है तो इसमें आपको थोड़ा सा आपको ये वाला खोलने के बाद कैसा लगता है या फिर वो वाला कलर आपको जो भी ठीक लगा हो आप वो ले सकते हैं। ये पिंक शेड में हमारे पास बिल्कुल वही सेम टू सेम प्रिंट एंड सेम टू सेम कलर उसमें मतलब प्रिंट में है। और ये बॉटम का फैब्रिक है इसका, इस वाले शेड में हल्का सा बॉटम का फैब्रिक ना आपको एक शेड डार्क मिलेगा उसके शर्ट के फैब्रिक से, सिर्फ एक ही शेड डार्क है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डिफरेंट जा रहा है, हल्का सा बस एक शेड आपको डार्क मिलेगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इसकी फ्रंट साइड का प्रिंट, आप चेक कर लीजिए, पूरा वही सेम टू सेम प्रिंट एंड आपको वही मिल जाएगा। और ये हमारा इसका पैच हो जाएगा, तो इसमें आपको मालूम ही है एक नेक लाइन के लिए पैच दिया है ये वाला, और एक ये दूसरा जो पैच है ये आप दामन पे या स्लीव्स पे बॉटम पे जहाँ पे भी आप जैसे भी लगवाना चाहें आप वैसे इसको लगवा सकते हैं। और दुपट्टा मैं इसका आपको दिखा रही हूँ कॉटन फैब्रिक में, क्योंकि हमारे पास जो कैटलॉग खुला हुआ है वो कॉटन फैब्रिक में खुला हुआ है, तो आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ठीक है। और वीडियोज़ एक्चुअली देखिए होता है, हो ये रहा है कुछ टाइम से, मतलब एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ नहीं ला पा रही हूँ आप लोगों के लिए, कभी लेट हो जाता है, कभी मैं जल्दी अपलोड कर देती हूँ, या फिर कभी किसी दिन अपलोड ही नहीं कर पाती हूँ किसी वजह से। तो इस वजह से अब मैं लेकिन कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए ना मैं कल परसों से रेगुलर वीडियोज़ लेकर आऊँगी एंड फिक्स टाइम हम लोग सेट कर लेंगे, या तो सुबह में 10 बजे का या 11 बजे का, जो भी मुझे मेरे ख्याल से मतलब 10 बजे का टाइम मुझे लगता है ठीक रहता है और सब लोग उस टाइम पे मतलब फ्री भी होते हैं, क्योंकि 11 बजे का ये है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, और मेरे हिसाब से भी 10 बजे का टाइम ठीक है, मुझे ठीक पड़ रहा है। तो इस वजह से मैं 10 बजे ही मतलब सुबह में 10 AM आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आया करूँगी एंड कोशिश करूँगी कि डेली लेकर आऊँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब मैं सेकंड डिज़ाइन आप लोगों के लिए ओपन करने जा रही हूँ। ये हमारे पास बहुत ही लाइट सा एकदम येलो शेड है, लाइट है और ब्राइट भी है, मतलब ठीक है, तो मतलब ऐसा मत समझिएगा डल येलो है, ब्राइट सा एकदम येलो शेड है। और ये देख लीजिए, ये हमारे पास जो है इसका आप प्रिंट चेक कर लीजिए, प्रिंट आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिलेगा, और इसका मतलब एकदम ब्राइट येलो शेड है ना, तो उस पर जो प्रिंट आ रहा है वो काफ़ी खिल रहा है, मतलब हाइलाइटिंग सा टाइप का है, फ्लोरल प्रिंट इसमें आपको मिलेगा। और ये साइड में इसकी स्लीव्स का प्रिंट है, आप ये देख लीजिए। और जो बॉटम का फैब्रिक है ना, अब मैं बॉटम का फैब्रिक आपको बता दूँ, मैं ऐसे करके रख रही हूँ, जो शर्ट का कलर है वो ब्राइट येलो है और जो इसका कलर है वो आपको मिलेगा हल्का सा डार्क सा, थोड़ा सा वैसा। देखिए वीडियो में आपको पता चल रहा होगा कि हल्का सा शेड ना इससे डार्क है, हल्का तो नहीं कह सकते, हाँ थोड़ा सा मतलब चेंज्ड कलर है ये भी येलो, लेकिन ये डल येलो वाला है, और ये इसकी वाला जो हमारे पास शर्ट का है वो ब्राइट येलो है। लेकिन अगर आप शर्ट फुल लेंथ बनवाएंगे तो इसमें मेरे ख्याल से पता नहीं चलेगा इतना, क्योंकि वैसे भी ट्राउज़र हमारा बहुत कम दिखता है, आप लोग वैसे भी पहनते होंगे तो ट्राउज़र इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, तो इस वजह से। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ उसके दूसरे साइड का प्रिंट, आप चेक कर लीजिए, ये हमारा इसका आई थिंक बैक साइड का प्रिंट है और स्लीव्स का प्रिंट की साइड में है। तो स्लीव्स के लिए इसमें आपको फ्रंट में बैक में दोनों तरफ दिया हुआ है। और ये है, मैं अब आपको उसके पैच दिखा रही हूँ। पैच में एक तो हमें नेक लाइन के लिए पैच दिया होगा, ये आप देख लीजिए, ये नेक वाले पार्ट के लिए पैच है स्ट्रेट बिल्कुल, इसमें आपको रेशम का काम मिलेगा एंड वाटर सीक्वेंस वर्क मिलेगा। और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ रेशम का एक और पैच है जो कि आपके स्लीव्स पे या दामन पे वैसे लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और अब मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ। तो दुपट्टा भी आप देख सकते हैं इसका काफ़ी कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा दुपट्टा है, यही सेम टू सेम कलर ऑप्शन में, अगर आपको शिफॉन में चाहिए होगा तो यही कलर ऑप्शन में एंड इसी वाले उसमें आपको मिलेगा डिज़ाइन में, तो कोई चेंज नहीं है। अगर आपको शिफॉन लेना है तो आप कॉटन का अच्छे से देख लीजिए, आपको शिफॉन का पता चल जाएगा कि आपको कैसा मिलेगा। बात रही कलर्स की, अगर मैंने ये कह दिया है कि कलर्स मतलब ब्राइट और डल के बारे में मैंने शुरू में बात कर ली है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप ये समझें कि आपको शिफॉन का डल मिलेगा, शिफॉन में कभी भी कलर्स जो हैं वो डल नहीं आते, ठीक है, तो ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। और कॉटन का आपने देख लिया है, बस ऐसा ही है। और इसमें डीपसी का हमेशा क्वालिटी जो है वो अच्छी रहती है, पहले हाँ थोड़ा सा मुझे डाउट रहता था डीपसी पे, लेकिन अब जो है इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, और इसलिए हम लोग मैं कोशिश करती हूँ कि जो डिज़ाइन श्री में अवेलेबल नहीं होते मैं डीपसी में मंगवा लेती हूँ, तो इस वजह से। और इसका भी जो फैब्रिक की क्वालिटी है, डिज़ाइनिंग वगैरह है, वो काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए आप डाउट ना कीजिएगा, शिफॉन का आपको फैब्रिक काफ़ी अच्छा मिलेगा। और जो लेंथ एंड वेथ की बात होती है दुपट्टे के, वो भी इसमें अच्छी दी होती है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं सामने कॉटन का दुपट्टा मैं आपके सामने खोल रही हूँ, उसकी लेंथ एंड वेथ काफ़ी अच्छी दी हुई है, और यही ऐसे ही सेम आपको मिलेगी शिफॉन के दुपट्टे में।
अब ये आप देख लीजिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्का सा ग्रेइश ब्लू टाइप का शेड है, और इसका वही जो मैंने आपको येलो दिखाया है ना, वही वाले सेम डिज़ाइन का ये दूसरा कलर है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये हमारा इसका पूरा प्रिंट है, जैसा कि आपको येलो वाले में दिख रहा था, और ये साइड में इसकी स्लीव्स हो गई हैं, स्लीव्स का प्रिंट आप चेक कर लीजिए, और ये इसके बॉटम का फैब्रिक है सेम टू सेम ग्रे कलर में, और ये इसकी बैक साइड है। तो ये देख लीजिए, ये हो गई इसकी बैक साइड, ठीक है। और ये हमारा इसका एक पैच, इसमें आप जैसे जानते हैं कि दो पैचेस हमें दिए हुए हैं, ये एक हमें दामन का या बॉटम का आप जैसे भी मान लें वो पैच है इसमें, और ये हमारा एक नेक लाइन के लिए पैच है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये दो पैचेस हो गए हैं, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दुपट्टा। तो दुपट्टा आप लोग, मैं दोबारा से वही बात रिपीट करूँगी क्योंकि आप लोग फिर भी पूछते हो, क्योंकि ना स्किप कर देते हैं वीडियो, तो इस वजह से, तो इसलिए इसमें हमारे पास दोनों में ऑप्शन अवेलेबल है, शिफॉन में भी, कॉटन में भी। और जो लोग मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं, मैं जानती हूँ वो लोग थक जाते होंगे सुन सुन कर कि शिफॉन भी है, कॉटन भी है, शिफॉन भी है, कॉटन भी है, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया ग्रे शेड में, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ नेक्स्ट पीस, नेक्स्ट डिज़ाइन, क्योंकि हमारा ये डिज़ाइन सेकंड वाला कंप्लीट हो गया है। अब मैं ओपन कर रही हूँ हमारा नेक्स्ट डिज़ाइन। इसमें हमारे पास जो है ना, देखिए इसमें हमारे पास जो बेस शेड है वो क्रीम टाइप का है, और इसमें ग्रीन एंड ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो मैं एक आपको अच्छे से खोल कर दिखा देती हूँ ओपन करके, बाकी का फिर मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ। ये भी इतना ही रहता है, इसमें भी वीडियो जल्दी कवर हो जाती है, क्योंकि एक डिज़ाइन हमने पूरा डिटेल में आपको अच्छे से दिखा दिया, दूसरा का आप जानते हो कि डिज़ाइन सेम रहेगा, सिर्फ कलर का डिफरेंस है, तो कलर बस जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो बस यही वाला है, और ये आप देख सकते हैं इसका क्रीम शेड है, ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन है वो हमारा एक डार्क ग्रीन के साथ है। और ये आप देख लीजिए इसका डिज़ाइन, पहले मैं आपको प्रिंट चेक करवा देती हूँ, ये इसका प्रिंट आप चेक कर लें, आई थिंक बैक साइड का प्रिंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड है। तो ये आप देख लीजिए, और ये साइड में इसकी स्लीव्स का प्रिंट आपको मिल जाएगा, ये भी आप देख लीजिए। और मैं बॉटम का दिखा देती हूँ आपको, बॉटम का भी आपको जो है, देखिए बॉटम का ना हल्का सा बेज टाइप का कलर दिया हुआ है, ठीक है, और इसका जो है ये देख लीजिए। तो ये हमारा दूसरे साइड का है, अच्छा वो वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो शायद फ्रंट ही साइड का था, और ये बैक साइड का है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सा प्रिंट है। एक्चुअली पैच लगना होता है ना नेक लाइन पे, तो इस वजह से मुझे लगता है कि फ्रंट का और बैक का कौन सा है। और ये साइड में इसकी स्लीव्स हैं, तो वो जो मैंने आपको पहले दिखाया है वही है फ्रंट साइड का, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया है। पैच इसका देख लेते हैं कि पैच कहाँ कहाँ के लिए दिया हुआ है। पैच एक तो ये आपका नेक लाइन के लिए है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा सा पैच है, लंबा है। और ये हमारे पास इसमें दूसरे पैच हैं, तो अच्छा ये इस वाले में देखिए दो पैच हैं, बिल्कुल अलग अलग एम्ब्रॉयडर्ड हैं, तो ये आप अपनी स्लीव्स पर भी लगवा सकते हैं, और चाहें तो बॉटम पे भी लगवा सकते हैं। वैसे ये जो दिए होंगे ना, ये बॉटम के हिसाब से मुझे लग रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो बॉटम पर लगवा लें या चाहें तो स्लीव्स पर लगवा लीजिए। और ये मैं अब आपको इसका दुपट्टा दिखा रही हूँ, दुपट्टा आप चेक कर लीजिए, पूरा फुल प्रिंटेड आपको दुपट्टा मिलेगा। एंड दुपट्टा जो मैंने आपको बताया था कंट्रास्ट में है, तो वही कंट्रास्ट में आपको दुपट्टा दिया हुआ है डार्क ग्रीन शेड में, ये देख लीजिए। एंड ये हो गई इसकी मॉडल पिक्चर। अच्छा देखिए मॉडल पिक्चर में ना आप लोग ये देख रहे होंगे कि पिंक कलर की लेस लगी हुई है, और वही सेम टू सेम कुछ डिज़ाइनिंग आपका इसमें स्लीव्स में है, ये सब है। तो ये जो डिज़ाइनिंग आपकी स्लीव्स में है और ये जो नेक लाइन में है, तो ये टेलर डाल देगा, टेलर ही सब बना के और लगाते हैं अलग से, इसके साथ में कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये डिज़ाइनिंग जो है ये कपड़े की बनती है, जो फैब्रिक की बनती है। तो आप फैब्रिक खरीद के टेलर को दीजिए, वो थोड़ा सा आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, लेकिन आपको बना के ये लगा देगा, अच्छा लगेगा अगर आपको यही सेम टू सेम पैटर्न चाहिए तो। और बात रही इस वाली लेस की जो दामन पे लगी हुई, तो ये जो है ये बनाई हुई नहीं है, ये बनी बनाई जो लेसेस आती हैं मार्केट में आप वहाँ से परचेज करके लगवा सकते हैं, चाहे तो स्लीव्स और उस पर नेक लाइन पर भी आप परचेज करके लगवा सकते हैं। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग कंपेयर करते हो ना, तो ये वाला जो ओरिजिनल वाली पिक्चर्स होती हैं, काफ़ी बार ओरिजिनल सूट में भी लेसेस और ये सब नहीं दिया होता है, टासल्स वगैरह ना, तो इसमें इसलिए नहीं दिया होता क्योंकि ये अलग से आपका फ़ोटोशूट के टाइम पे या वैसे उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो उस टाइप से बनवा के स्टिच करवा के जो फोटोग्राफर्स मतलब वो मॉडल्स वगैरह होते हैं उनको पहनाते हैं कि अट्रैक्टिव लगे पीस, ठीक है। तो लेकिन उसमें ओरिजिनल में भी नहीं दिया होता है काफ़ी बार, तो इसलिए तो रेप्लिका है फिर सस्ता वाला है, तो इसमें कैसे दिया होगा। तो इसलिए अगर आपको उस टाइप का चाहिए तो आप अलग से परचेज करके लगवा सकते हैं, इतना ज़्यादा कॉस्टली लेसेस नहीं पड़ती हैं, ठीक है, और लेकिन आपका सूट जो है वो अच्छा बन जाता है, इससे अट्रैक्टिव लगने लगता है। और अब मैं आपको वही सेम डिज़ाइन का ब्लू शेड में जो हमारे पास है वो दिखा रही हूँ, आप ये देख लीजिए, इसका बेस शेड भी क्रीम शेड है और इस पर ब्लू का कॉम्बिनेशन आपको ज़्यादा मिलेगा,
और ये साइड में स्लीव्स हैं, बस वही है, सेम टू सेम पैटर्न वही है, सिर्फ ग्रीन की जगह पे ब्लू शेड आ रहा है। और ये बॉटम का फैब्रिक है, और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ इसकी बैक साइड का प्रिंट, आप चेक कर लीजिए, ये पूरा नीचे तक आप देख सकते हैं ना, ये इसमें ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन में है। एंड ये इसका जो है ये पैच है, ये देख लीजिए, ये इसमें नेकलाइन का पैच है, पूरा रेशम का काम है इसमें, और सीक्वेंस वर्क आपको मिलेगा। और ये इसका बॉटम का फैब्रिक है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका दुपट्टा, तो दुपट्टा मैं पूरा ओपन नहीं कर रही हूँ, मैं डबल करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? तो आप दुपट्टा देख लें, कॉम्बिनेशन आपको दुपट्टे में वही कंट्रास्ट में ब्लू शेड में मिलेगा, क्योंकि ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन है। उसमें ग्रीन में था, इससे पहले जो मैंने दिखाया था तो उसका दुपट्टा ग्रीन में था, और इसका ब्लू में है, तो इसका दुपट्टा आपको ब्लू शेड के साथ मिलेगा। एंड ये हो गई इसकी मॉडल पिक्चर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ना, इसमें भी आपको कुछ अलग टाइप की लेस वगैरह लगाई हुई है, तो वो आप डिज़ाइनिंग जो है मैच करके मार्केट से परचेज कर सकते हैं, नहीं मिले तो अपने हिसाब से भी लेस लेके लगवा सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारी वीडियो का लास्ट पीस। तो लास्ट पीस का डिज़ाइन, लास्ट पीस तो नहीं, मतलब लास्ट डिज़ाइन दिखा रही हूँ, सेकेंड लास्ट पीस है उसका। तो ये अब हमारे पास दूसरा डिज़ाइन, मतलब नेक्स्ट डिज़ाइन जो मैं ओपन कर रही हूँ, उसका पिंक शेड मैंने खोला है, ये आप देख लीजिए। और फैब्रिक तो आपको पता ही है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, लॉन कॉटन मटेरियल में ये डिज़ाइन है जो मैं दिखा रही हूँ, पैचवर्क वाले हैं, एंड 9-15,000 की रेंज वाले हैं। शिपिंग चार्जेस जो हैं वो इसी में इंक्लूड करके मैंने आपको बताया है, अलग से कुछ भी नहीं है। और कम करने के लिए मत करिएगा, क्योंकि शिपिंग भी हम आपसे एक्स्ट्रा वैसे नहीं कर रहे हैं, इसी में सब कुछ है जो भी है, तो और कम की गुंजाइश नहीं है इसमें, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो प्राइस मैं आपको बता रही हूँ फाइनल प्राइस होता है वो, ठीक है? अब आप ये देख लीजिए, ये हमारा जो है ये फ्रंट साइड का प्रिंट है, पिंक शेड है इसका, काफ़ी प्रिटी सा इसका लग रहा है, क्योंकि प्रिंट जो है ना वो बहुत बारीक है, मतलब बहुत ही एकदम घना घना सा प्रिंट दिया हुआ है। ये साइड में इसके स्लीव्स का प्रिंट आपको पूरा मिल जाएगा। और ये बॉटम का फैब्रिक जो है वो बहुत ही लाइट, एकदम लाइट पाउडर पिंक शेड में आपको मिलेगा। और मैं अब आपको इसकी बैक साइड दिखा देती हूँ, बैक साइड आप चेक कर लीजिए, प्रिंट चेक कर लीजिए बैक साइड का, ये पूरा नीचे तक, ठीक है? और ये इसका जो आपका दिया हुआ है, ये देख लीजिए, ये पैच है इसमें एक, तो ये पैच जो है वो नेकलाइन पे लग जाएगा, और दो ही शेड में ये पैच दिया हुआ है, इसमें वाटर सीक्वेंस वर्क भी है और रेशम का काम भी पूरा आपको मिलेगा। और ये इसमें एक और पैच है, ये देख लीजिए, तो ये इसमें दो पैचेस दिए हुए हैं, ठीक है? और दामन पे आप लगवा सकते हैं एक पैच आप स्लीव्स पे, उस पर नेकलाइन पे लगवा सकते हैं। और ये मैं अब आपको दिखा रही हूँ उसका दुपट्टा, तो दुपट्टा भी आपको सेम पिंक शेड में ही दिया हुआ है, प्रिंट आप देख लीजिए। अगर आपको शिफॉन में चाहिए दुपट्टा, कॉटन में अगर आप चाहिए, तो मैं कॉटन की आपको वैसे ही दिखा रही हूँ, तो उसमें तो कोई भी फिर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपको शिफॉन में चाहिए तो आप तब भी यही दुपट्टा है, इसका प्रिंट और इसका कलर कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिए, आपको यही सेम टू सेम कलर कॉम्बिनेशन एंड प्रिंट में मिलेगा, ठीक है? कोई डल या कुछ वैसा नहीं होगा। आप लोग कहते हैं हमें दिखा दीजिए, आपने लेना होता है, लेकिन आपको फिर भी देखना होता है कि हाँ इनके पास है अवेलेबल या नहीं, या फिर सिर्फ बातें बना रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास जो भी कैटलॉग आता है पैचवर्क में, वो ऑप्शन के साथ ही आता है कि आप शिफॉन में ले लो या आप लॉन में ले लो, ठीक है? तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि अवेलेबल है या नहीं है, बोल रही हूँ तो अवेलेबल है। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ यही सेम टू सेम पिंक जो मैंने अभी आपको दिखाया है, उसका दूसरा डिज़ाइन। ये हमारे पास ब्लू के साथ कॉम्बिनेशन में है, मैंने आपको पिंक वाला खोला था ना, अभी मैं आपको ब्लू में दिखा रही हूँ, तो ये देख लीजिए, इसमें हमारे पास जो है वो ब्लू शेड ज़्यादा आएगा, ठीक है? ये देख लीजिए इसका प्रिंट, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसके पैच, तो ये प्रिंट पूरा चेक कर लीजिए, ये फ्रंट साइड का इसका मैं प्रिंट दिया हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं इसमें ब्लू शेड का ज़्यादा जो है वो आपको मिलेगा देखने के लिए। और ये साइड में इसकी स्लीव्स दी हुई हैं, और ये इसका बॉटम का फैब्रिक है। तो इस वाले में बॉटम का फैब्रिक ना आपको बहुत लाइट सा ब्राउन शेड दिया हुआ है, क्योंकि ब्लू के साथ में शर्ट में जो आपको कॉम्बिनेशन है वो हल्का सा लाइट ब्राउन का है, तो वो इसलिए आपको जो बॉटम का फैब्रिक है वो आपको बहुत लाइट सा ब्राउन शेड दिया। अब आप ये देख सकते हैं ना, ये वाला जो शेड है इसी शेड का आपको बॉटम दिया हुआ है, ठीक है? तो ये प्रिंट आप चेक कर लीजिए इसमें फ्रंट साइड का। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था वो बैक साइड का प्रिंट था, ये वाला फ्रंट साइड का है। और इस वाले में मैं आपको पैच लगा के दिखा देती हूँ, ये इस टाइप से ना इसमें पैच लगेगा और काफ़ी ज़्यादा ये खूबसूरत लगेगा, ये देख लीजिए। तो पैच भी ना पूरा ब्लू शेड में दिया हुआ है, और इससे पहले जो मैंने पिंक कलर का कॉम्बिनेशन सूट दिखाया था यही सेम डिज़ाइन में, उसमें पिंक कलर का पैच था, और ये इसका एक एक्स्ट्रा पैच, मतलब एक्स्ट्रा तो नहीं कह सकते, पैच दिया हुआ है दामन पे या स्लीव्स पे, आप जहाँ भी चाहें वहाँ लगवा सकते हैं। और अब मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ, ये आप दुपट्टा देख लीजिए, प्रिंट चेक कर लीजिए दुपट्टे का।
तो दुपट्टे में बीच में वही ब्राउन सा शेड आ रहा है, ठीक है, बाकी साइड्स में आपका ब्लू शेड के कॉम्बिनेशन में ये दिया हुआ है। तो ये हमारी वीडियो का लास्ट पीस हो गया, और प्राइस मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। शिफॉन दुपट्टे के साथ 950 है, एंड लॉन दुपट्टे के साथ मीन्स कॉटन दुपट्टे के साथ 1000 है। तो आपका जो भी इसमें अब आपको जो भी दुपट्टे के साथ चाहिए हो और आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, मुझे फ़ौरन व्हाट्सएप कर दीजिए, एंड जो भी दुपट्टे के साथ आपको वो डिज़ाइन चाहिए वो ज़रूर लिख के मुझे भेज दीजिएगा। देन आपको टोटल मैं बता दूंगी कि कितना होगा। एंड ये हमारे पास ब्लिस वॉल्यूम 3 का अवेलेबल है, ब्रांड जो है ये डीप सी है, इंडियन रेप्लिका है। अगर मैं जेड ब्लिस बोला मैंने तो उसमें आप ओरिजिनल ना समझिएगा, क्योंकि जो ओरिजिनल में जो ब्रांड्स होती हैं ना वही यहाँ पे रेप्लिका में कैटलॉग नेम के नाम से, मतलब उसमें कैटलॉग नेम उनका वही होता है सेम, तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं आपको खुद अपने मुंह से बता रही हूँ, ये इंडियन रेप्लिका है, मेड इन इंडिया है, ठीक है, इसको ओरिजिनल पाकिस्तानी ना समझिएगा। लॉन कॉटन फैब्रिक जो बोलते हैं वो हम इंडियन वाले सूट्स को बोलते हैं, इंडियन मेड वाले सूट्स को बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे डिज़ाइंस दिखा दिए हैं, जो भी आपका फाइनल हो इसमें मुझे आप बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।